हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने प्रॉपर्टी, ये बेसिकली सेक्टर 23 में साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। जो फ्लैट में एंट्री करते हुए वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों मिल जाएगा, विथ रूफ राइट भी मिल जाएगा इसमें। और ये इसका हो गया फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। ये यहाँ पर आपको इस तरफ दो बड़ी साइज़ के गेट मिल रही है। इसका रैंप एरिया आ गया, जो कि आप देख सकते हो। और ये हो गया इसका फ्रंट एलिवेशन, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। प्राइस के लिए प्लीज़ चेकआउट दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या नहीं, वहाँ से चेकआउट भी कर लेना। अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो ये आपको 30x60 का डायमेंशन है प्लॉट का। मूविंग ऑन टू दिस स्ट्रेट पार्किंग, और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया। यहाँ पे देख सकते हो दो बड़े साइज़ की गेट मिल रही है, फर्स्ट क्लास। ये इस तरफ गेट लगी हुई, इसमें दो गेट यहाँ दिया हुआ है, छोटी गेट यहाँ दी हुई है। और प्रोफाइल लाइटिंग का भी इसमें काम किया गया है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। ये अगर बात करें फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया है मार्बल का, इस तरफ आप देख सकते हो। देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है ये डिज़ाइन। यहाँ सारे मोटर्स के प्रोविज़न वहाँ दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको 3 से 3.5 लीटर का वाटर टैंक है, स्टोरेज टैंक दिया हुआ है, 4 है, 1, 2, 3, 4 यहाँ दी हुई है। और ये लिफ्ट लॉबी हो गया फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, ये लिफ्ट लॉबी है। फुट लाइट सारे में दी गई है, फर्स्ट क्लास। स्टेयर केस में SS की स्टील लगी हुई है, मार्बल लगा हुआ है, फुट लाइट्स लगी हुई है। और ये लिफ्ट हो गया, लिफ्ट है, फोर्थ फ्लोर तक आएगी, एज पर एलिवेटेड है ये। और ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये फोर्थ तक जाएगा। और ब्रांडेड लिफ्ट है, वैसे अच्छा लिफ्ट है ये। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर एरिया, और फ्रेंड्स ये हो गया स्टेयर केस। और मूविंग ऑन टू द टेरेस एरिया, इसमें विद रूफ राइट मिल जाएगा। लिफ्ट फोर्थ तक आएगी, टॉप तक नहीं आएगी, एज पर ब्रांड की लिफ्ट आएगी इसमें आपको। और इसका छत हो गया, छत पे इन्होंने प्रॉपर काम करा है मार्बल का, जो कि आप देख सकते हो। ये स्टील की रेलिंग लग जाएगी यहाँ पे इस तरफ, और सुप्रीम का सिंटेक्स आएगा टॉप पे। विथ रूफ राइट मिल जाएगा आपको इसमें, 1000 लीटर का सिंटेक्स आएगा टॉप पे। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, आज मैं वो दिखाने प्रॉपर्टी, ये बेसिकली सेक्टर 23 में ये साउथ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है। ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया है, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी बेहतरीन सा लग रहा है। ये इसका ड्राइंग कम डाइनिंग है, ये साउथ ईस्ट फेसिंग है। जो फ्लैट में एंट्री करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। और फर्स्ट बेडरूम है, कॉमन वाशरूम है, ये ड्राइंग कम डाइनिंग है, ये ओपन किचन है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फेवर का हॉब, चिमनी सब दे रहे हैं इसमें आपको। वहाँ पे फ्रिज आएगा, अंदर भी उस तरफ सिंक एरिया हो गया। सेकंड बेडरूम है, अटैच वाशरूम है, सारे अमेरिकन स्टैंडर्ड के सारे फिटिंग्स हैं। थर्ड बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है, वॉकिंग क्लोजेट भी, अटैच वाशरूम है। लेआउट आपने समझ लिया है, 1300 स्क्वायर फीट कार्पेट एरिया है, 204 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज़ है, 30x60 प्लॉट का डायमेंशन है। और ये इसका हो गया ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें प्रॉपर काम करा गया है टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे। फॉल सीलिंग भी हुई हुई है, ऑडियंट के सारे लाइट्स लगे हुए हैं इसमें। और ये इसका एंट्री डोर हो गया, जो कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा। ब्लैक कलर की इसमें डोर हैंडल दी हुई है, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे स्विच का प्रोविज़न दिया हुआ है। एंकर के सारे स्विच हैं, ब्रांडेड यूज़ किया गया है। जो भी विजिटर आएंगे यहाँ से आप इसको देख सकते हो, यहाँ से विज़न हो जाएगी, ये पन्नी हट जाएगा। ये हॉक विज़न का दिया हुआ है कंट्रोल। और ये इसका हो गया ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया, फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है। इस तरफ मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कुछ इन्होंने वॉल पे काम करा हुआ है, POP वर्क का। इस तरफ ग्लास लगी हुई है, जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे TV आपकी इस तरफ आ जाएगी। और ये जो है फ्रेंड्स, आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगा, ये बालकनी हो गई इसकी। ये
बालकनी है, आउटर के लिए सारे प्रोविज़न वहाँ पे दिए हुए हैं और इसमें स्टील की रेलिंग भी दी गई है। सामने आपको 12 मीटर की रोड है फर्स्ट क्लास और लोकेशन भी अच्छा ही है। इसका रैंप एरिया हो गया जो कि आप देख सकते हो ये, और ये फर्स्ट बेडरूम है फ्रेंड्स। अगर बात करो इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें काम करा गया है टाइल्स का, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स। ये UPVC इसमें आपको साइड डोर्स मिल रहे हैं, दो ग्लास डोर एक मैच डोर मिल रहा है इसमें आपको। इस तरफ टी पैनल का प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ पे TV आ जाएगी, AC भी ऊपर आएगी और यहाँ पे स्लाइडर वार्डरोब का प्रोविज़न दिया हुआ है जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा इसमें प्रोफाइल लाइटिंग का भी काम करा गया है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये। और सारे जितने भी सारे सॉफ्ट क्लोज हैं ये, यहाँ पे इस तरफ वॉल का प्लेसमेंट आ जाएगा, यहाँ पे वॉलपेपर बनी हुई है, यहाँ सेंटर में बेड आ जाएगी आपकी और यहाँ पे PVC की साइड डोर्स है इसमें। ये भी फ्रंट बालकनी से हो रहा है कनेक्ट जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और ये इसे अटैच ये कॉमन वॉशरूम है फ्रेंड्स। अगर बात करें इसकी फिटिंग्स की, आप पहले देख लो नीचे का फ्लोरिंग में क्या काम करा गया है। सारे में जितने फ्लोरिंग्स में टाइल यूज़ करी गई है, वॉल में भी टाइल्स यूज़ करा गया है और ये कॉमन वॉशरूम है हॉल से भी रूम से भी। और अमेरिकन स्टैंडर्ड के सारे फिटिंग्स हैं जो कि आप देख सकते हो ये। और ये वॉश बेसिन है, इसमें टच ग्लास भी दी गई है और यहाँ इस तरफ टाइल्स का काम करा गया है। यहाँ पे कमोट है, उस तरफ शावर एरिया आ गया, लुमिनस के एग्जॉस्ट फैन लगे हुए, पार्टीशन ग्लास इसमें किया गया है और ये आप देख सकते हो टैप है, ये भी अमेरिकन स्टैंडर्ड का ही दिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे होगे। ये शावर हो गई, UPVC की विंडो भी दी गई है इसमें, तो ये आप देख लिए हो, ये वॉशरूम हो गया इसका। अब यहाँ से मैं एंट्री किया था अभी और ये आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट क्लास ड्राइंग कम डाइनिंग है। वो फर्स्ट बेडरूम था, कॉमन वॉशरूम है, यहाँ पे इस तरफ वॉलपेपर का भी प्रोविज़न दिया हुआ है और यहाँ पे बेसिकली आपका सोफ़ा यहाँ आ जाएगी और इस तरफ यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। और ये हो गया किचन, ओपन किचन है ये बेसिकली, आप लुक एंड फील देख के समझ सकते हो। डिज़ाइन काफ़ी एलिगेंट सा डिज़ाइन है, यहाँ पर इस तरफ चूल्हा दिया हुआ है, फेवर 4 स्टोव दिया हुआ है, 4 बर्नर स्टोव है ये, ऊपर फेवर का चिमनी दिया हुआ है, सारे सॉफ्ट क्लोज है ये। और इसमें बात करूँ फ्रेंड्स तो जितने भी हैं चैनल सारे सॉफ्ट क्लोज हैं जो कि आप देख पा रहे हो ये। और यहाँ काम करा गया है मार्बल का, ऊपर में बॉक्सेस बने हुए हैं, सारे हाइट कर दिए हैं पाइप्स को ये। और इस तरफ बात करूँ तो यहाँ ब्रेकफास्ट टेबल भी बनी हुई है, ऊपर लाइट्स का प्रोविज़न भी दिया हुआ है। इस तरफ प्रोफाइल लाइटिंग भी की गई है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये। यहाँ से मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये। और सेंटर में फ्रेंड्स यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का स्पेस दिया हुआ है, फ्रिज आपकी डबल डोर यहाँ जाएगी, बड़ा साइज़ का स्पेस है ये। और इस तरफ आप देख पा रहे होंगे ये पेंट्री एरिया हो गया, फर्स्ट क्लास पेंट्री है और सारे सॉफ्ट फ्लोर हैं ये। और यहाँ मैं बात करूँ फ्रेंड्स तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर डुअल सिंक है, टैप लगी हुई है इसमें और यहाँ पर एक डोर का प्रोविज़न दिया हुआ है किचन में, तो देखिए आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे नीचे RO लग जाएगा, यहाँ पे भी ये इसका वेट एरिया हो गया जो कि आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे आपकी गीज़र आ जाएगी इस तरफ और ये बालकनी हो गई, यहाँ पे भी टैप का प्रोविज़न दिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। किचन का मैं आपको लुक एंड फील एक बार फिर से दिखा देता हूँ, तो डिज़ाइन है काफ़ी एलिगेंट डिज़ाइन है इसका और देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है किचन, सारे सॉफ्ट फ्लोर्स हैं। और ये इसका हो गया सेकंड बेडरूम फ्रेंड्स। अगर बात करें सिर्फ फ्लोरिंग की, इसमें काम करा गया टाइल्स का, फॉल्सिन का भी काम हुआ हुआ है, PVC इसमें आपको डोर मिल रही है, इस तरफ टी पैनल का प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें, यहाँ ड्रेसिंग भी बना हुआ है फुल लेंथ ग्लास और अंदर में ही वार्डरोब दी गई है। इसमें प्रोफाइल लाइटिंग का भी काम किया गया है जो कि आप देख पा रहे होंगे, जितने भी सारे सॉफ्ट क्लोज है। इस तरफ भी स्टोरेज की लैंप वाला स्पेस में दिया हुआ है
और यहाँ आप देख सकते हैं सारे में ही स्टोरेज के लिए कितना स्पेस दिया हुआ है इसमें। यहाँ सेंटर में ही आपकी बेड का प्लेसमेंट आ जाएगा यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हो। ये एसी का प्रोविज़न वहाँ दिया हुआ है, एंकर के सारे स्विचेस हैं, पॉलीकैब के सारे वायर्स हैं इसमें। और ये आप देख सकते हो, ये सेकेंड बेडरूम से अटैच वॉशरूम है, उषा के एग्जॉस्ट फैन या टाइल्स का काम इसमें करा गया है। ये शावर एरिया हो गया अमेरिकन स्टैंडर्ड का, काफ़ी डिज़ाइन वाला ये आपको टैप लिया हुआ है इसमें, और ऊपर से शावर भी दी हुई है। ये वॉश मशीन हो गया, यहाँ पे कमोड दिया हुआ है, और डिज़ाइन आप देख पा रहे होगे काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन है ये। ये भी बालकनी, ये भी जो रूम है पीछे की बालकनी से हो रही कनेक्ट, UPVC इसमें आपको डोर मिल रहा है फर्स्ट क्लास। और यहाँ आउटर के लिए दो प्रोविज़न यहाँ दिए, एक यहाँ आउटर आ जाएगा, एक आउटर वहाँ आ जाएगी, और टैप का प्रोविज़न भी वहाँ दिया हुआ है। और इस तरफ पीछे का स्पेस है ये, एक एसी यहाँ आपकी लग जाएगी। लाइट्स का प्रोविज़न भी दिया हुआ है इसमें, जो कि आप देख पा रहे होगे। अगर बात करें इसी फ्लोरिंग की, तो इसमें भी काम करा गया है टाइल्स का, ब्राउन कलर की टाइल्स लगी हुई है इसमें। इंस्टा की इसमें आपको UPVC का डोर दिया हुआ है ये। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, और ये इसका तीसरा बेडरूम हो गया फ्रेंड्स। अगर बात करें इसी फ्लोरिंग की, तो ये इस फ्लोर का मास्टर बेडरूम है। अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम करा गया है टाइल्स का, जो कि आप देख पा रहे होगे। और फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, प्रोफाइल लाइटिंग इसमें की गई है फर्स्ट क्लास। इस तरह बेड आ जाएगी, यहाँ पे सेंटर में स्विच दिया हुआ है, एंकर का स्विच है, पॉलीकैब के वायर्स है, एसी का प्रोविज़न भी इसमें दिया हुआ है, जो कि आप देख पा रहे हो। मैं लाइट्स ऑन कर देता हूँ थोड़ा सा, और देखने में काफ़ी बेहतरीन सा डिज़ाइन है इसका। और अंदर में ही आपको वॉकिंग क्लोजेट भी मिल रहा है इसमें, ये आप देखो हल्का सब समझ में आएगा आपको। ये इस तरफ बेड आ जाएगी आपकी, और सामने में ही यहाँ पे इस तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीवी पैनल का भी प्रोविज़न दिया हुआ है, जो कि इसकी लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है फ्रेंड्स ये। और यहाँ UPVC की इसमें आपको बड़ी सी विंडो डोर्स मिल रही है, दो ग्लास डोर, एक मैच डोर, और अंदर यहाँ AC का प्रोविज़न भी दिया हुआ है। यहाँ पे अंदर घुसते ही लेफ्ट साइड में अमेरिकन स्टैंडर्ड का सारा ब्लैक सीरीज का पूरा कमोड सारे ब्लैक हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड का ब्रांडेड यूज़ किया गया है। और ये ड्रेसिंग एरिया यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वॉकिंग क्लोजेट है, अंदर में सारे वार्डरोब्स में आप सामान रख सकते हो। यहाँ देखो आप, बड़ी साइज़ की फुल लेंथ ग्लास में लगी हुई है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। और यहाँ आप देख पा रहे हो कि फ्रेंड्स, इसमें वुडन टाइल्स का काम किया गया है फ्लोरिंग में यहाँ पे, और यहाँ ब्राउन कलर की आपको टाइल्स का यूज़ किया गया है वॉल में। और ये हो गया वॉश बेसिन एरिया फ्रेंड्स, और यहाँ वैनिटी भी बनी हुई है, ग्लास में टच ग्लास दिया हुआ है। और यहाँ पे ब्लैक सीरीज की इसमें कमोट आ रही है, जो कि आप देख पा रहे हो, ये भी अमेरिकन स्टैंडर्ड का ही है, ब्रांडेड यूज़ किया गया है, कोई लोकल नहीं लगी हुई है इसमें, ये आप देख सकते हो। और हल्का सा अंदर जाओगे तो ये शावर एरिया है, अमेरिकन स्टैंडर्ड के सारे फिटिंग्स हैं इसमें। और ये भी जो है फ्रेंड्स, आपको थर्ड बेडरूम से हो रहा है कनेक्ट, और ये पीछे की बालकनी हो गई। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, प्लीज चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो फ्रेंड्स, ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तब तक बाय, टेक केयर। प्लीज चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन में, चारों फ्लोर हैं अभी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों मिल जाएगा। प्राइस के लिए प्लीज चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ मैं डाल दूंगा प्राइस क्या, वहाँ से चेकआउट भी कर लेना। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब की गाइस, बाय, टेक केयर।